को T1 T2 के साथ कैसे अटैक करना है और फाइट कैसे करना है आज मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। आपके स्टेरिंग बटन में यदि आपके टोटल 8 बटन हैं तो आपको T1 T2 की वायर को फाइंड करनी होगी। यदि आपके स्टेरिंग बटन में 4 ही बटन है तो आपका केवल T1 से ही काम चल जाए। टोटल आपके स्टेरिंग बटन में 5 वायर देखने को मिलेगा, एक तो इग्निशन का, एक होगा बैटरी का, तीसरा होगा आपका ग्राउंड का, चौथा T1 का, पांचवा T2 का। और आपको इसको T1 T2 की वायर को फाइंड करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत होगी। आपको मल्टीमीटर ले लेना है। मल्टीमीटर को लेने के बाद आपको जो सिलेक्शन पॉइंट रखना है 200 ओम पे रखना है, तो मैं यहाँ पे 200 ओम पे रख ले रहा हूँ। और आपके मल्टीमीटर में 2 प्रोब होते हैं, एक प्रोब को आपको ग्राउंड स्टीयरिंग बटन के ग्राउंड के साथ अटैच करनी है, या आप अपने कार के कहीं से भी ग्राउंड ले सकते हो। और दूसरे प्रोब को हम T1 T2 को फाइंड करने में यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक प्रोब को ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया हूँ, दूसरे प्रोब को हम T1 T2 की वायर को फाइंड करने में लगा रहा हूँ। तो जैसे ही हमें यहाँ पे किसी भी वायर पे आप लगाओगे और उस वायर पे कुछ वैल्यू देखने को मिलेगा, और वैल्यू देखने के बाद आपको स्टीयरिंग बटन में जो बटन होते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। यदि किसी भी बटन पे यदि वो वैल्यू चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो स्टीयरिंग बटन की वायर है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आंसर रिजेक्ट की का बटन को दबा रहा हूँ तो यहाँ वैल्यू चेंज हो रहा है मल्टीमीटर में, तो समझ लेंगे ये T2 की वायर है। और मैं दूसरे T1 को फाइंड करने के लिए जब मैं T1 की वायर पे या फिर आपको किसी वायर पे अटैच करोगे और कुछ वैल्यू देखने को मिलेगा और आपके स्टीयरिंग बटन में जो बटन है जब उस पर क्लिक करेंगे और वैल्यू चेंज होगा तो समझ जाएंगे वो T1 की वायर है। इस तरह से T1 T2 की वायर को फाइंड करना है और स्टीरियो के पीछे से जो T1 T2 की वायर आ रही होती है तो उसके साथ अटैच करना है और आपको स्टीयरिंग व्हील को पेयर करना है। थैंक यू।